हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन रिलेटेड टू WBJEE 2023 काउंसलिंग आज। ओके, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं बताने वाला हूँ आपको अबाउट द IIM कोलकाता बिगेस्ट स्कैम। ओके, सो व्हाट इज द स्कैम एक्चुअली, और कौन सा खेल बेसिकली IIM कोलकाता पर्दे के पीछे कर रहा है भाई। ओके, क्या एक्चुअली IIM इन दिनों कर रहा है और क्यों भाई? IIM जो टॉप कॉलेज आता था अंडर WBJEE दिस ईयर, दे आर बेसिकली डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट मुझे श्योर नहीं हो रहा कि बेसिकली यही जो कॉलेज है जिसको लगभग हर एक यूट्यूबर, लगभग मैं भी, बहुत लोग बोलते थे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट अंडर WBJEE और टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोलकाता है आफ्टर हेरिटेज का। ओके, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ बार बार कि कोई एक कॉलेज बस एक प्लेसमेंट से नहीं अच्छा होता। ओके, कॉलेज बस से मीन्स एक मिनट तक यहाँ आप प्लेसमेंट अच्छा दे दिए, अच्छा कंपनी आ रहा, देन या कॉलेज इज़ गुड। बिसाइड्स अदर थिंग्स भी होता है, कुछ मोरलिटी भी होता है कि या आप किस तरह से बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, किस तरह से आप स्टूडेंट को गाइड कर रहे, किस तरह से स्टूडेंट्स पे आप मीन्स प्रेशर बना रहे या नहीं बना रहे, बहुत सारा डिपेंड करता है गाइस। ओके, सो ये WBJEE 2023 अगर आप कैंडिडेट्स हैं देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज बेसिकली अवेयर। ओके, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस मैटर, आपको इस मैटर से अवेयर रहना चाहिए गाइस। ओके, एक्चुअली मैं भी देखा हूँ कि आपने भी देखा होगा कि मैं और अदर यूट्यूबर बहुत सारे लोग ये जो कॉलेज है पार्टिकुलर IIM कोलकाता टॉप में रखते हैं। ओके, टॉप वन टॉप टू ऐसा मेरे लिस्ट में टॉप टू में आता है। ओके, बट मुझे अब संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है कि वेदर आई शुड कीप दिस कॉलेज इन टॉप वन और टू और नॉट। ओके, क्योंकि गाइस इस लेटेस्ट एक ऐसा आप लोग बहुत न्यूज़ भी सुने होंगे कि IIM इज बेसिकली नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन WBJEE 2023 काउंसलिंग। ओके, बट अभी तक WBJEE की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, ना ही IIM ने बोला कि या मैं करूँगा या नहीं करूँगा। ओके गाइज, क्योंकि मैंने यहाँ संशय आ रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है ड्यू टू द IIMJEE एग्जाम। ओके, सो एक्चुअली IIM जो होता है उसको उसका बहुत सारा कैंपस है। ओके, सच्चा UEM कोलकाता, UEM जयपुर एंड अदर कैंपस है। ओके, एंड बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ सीट्स देयर एंड वो वैसे सीट्स को भरने के लिए एक UEM JEE एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। ओके, और यू कैन से जैसे कि VT का वेलोर इंस्टीट्यूट या अदर कॉलेज का जैसे कि होता है एंट्रेंस एग्जाम, उससे ये लोग भी कंडक्ट करते हैं। ओके, बट ये सब कंडक्ट तो पहले भी करते थे, बस दिस ईयर हो रहा है गाइस कि ये लेटेस्ट न्यूज आया। ओके, ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज आया कि अबाउट 80% सीट्स फिलअप हो चुका है। ओके, एंड दे हैव ऑल्सो गिवेन अ जीमेल और यू कैन से मेल टू द स्टूडेंट्स अबाउट दैट योर क्लास इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द 3rd of July। ओके, अब आपको लगेगा डाउट भैया कि जब WBJEE काउंसलिंग शुरू ही नहीं हुआ और 8 WBJEE नोटिफिकेशन हैव नॉट अराइव, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट या काउंसलिंग और बेस सॉरी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई। ओके, दो दिस कॉलेज ऑल्सो कम अंडर WBJEE। ओके, आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये रियलिटी की उस दिन जो होगा ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसमें कॉलेज के बारे में मेरा बताया जाएगा, बट या ये फैक्ट है कि उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है। भाई आप लोग को अफेक्ट बेसिकली दोज कैंडिडेट, इट विल बेसिकली ये सब जो कारनामा हो रहा है ये अफेक्ट करेगा दोज कैंडिडेट्स वो आर बेसिकली टॉप रैंकर। ओके, जो जो जिनको 1-2000 और 3000 और अंडर 5000 रैंक में थे और वो लोग सोच रहे थे कि IIM में मैं CSE ले लूँगा, IT ले लूँगा या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज या अदर कोर्सेज ले लूँगा। ओके, सो उन लोग को बेसिकली दिक्कत होने वाला है। ओके, बिकॉज यू हैव टू शिफ्ट टू द अदर कॉलेज या अगर आपका रैंक अच्छा है तो नो डाउट यू विल गेट गुड कॉलेज। IIM एक कॉलेज नहीं है भाई कोलकाता में। ओके, आप वो हेरिटेज मिल सकता है, टेक्नोमेन मिल सकता है, अदर कॉलेज मिल सकता है, बट एक कॉलेज आपको हट रहा है तो देन दिस विल क्रिएट अ बेसिकली वेरी पैनिक सिचुएशन फॉर अदर स्टूडेंट टू, अदर कैंडिडेट्स टू, जिनका 8000, 9000, 10000 रैंक था, वो लोग सोच रहे थे कि मुझे एक नीचे का लेवल कॉलेज मिल जाएगा तो उनको एक और कॉलेज शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट जस्टिस टू द स्टूडेंट्स। ओके, एंड आई थिंक दैट WBJEE 2023 शुड ऑल्सो बेसिकली गिव मैसेज और बेसिकली दे शुड ऑल्सो टेल समथिंग अबाउट दिस, क्यों ये IIM कोलकाता ऐसे कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। ओके, बिकॉज दिस इज बेसिकली रियली पैनिक सिचुएशन फॉर एवरी स्टूडेंट टू। ओके, तो मैं WBJEE बोर्ड से भी बेसिकली रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप ये क्लियर करें या IIM कोलकाता भी क्लियर करें कि आप में कितना सीट इंटेक कैपेसिटी है, कितना बचा हुआ है, नहीं है। ओके, अर्लियर में तो बहुत सारा सीट था, बस कितना बचा हुआ, क्या रियलिटी है, 80% सीट्स है या नहीं है। ओके, क्योंकि जिस तरह से अभी आप लोग डिसीजन ले रहे थे इसमें तो इससे तो कन्फर्म है कि सीट्स लगभग भर चुका है IIM का। ओके, एंड दे में बेसिकली उनका मेन प्रायोरिटी है टू अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू मैनेजमेंट कोटा। ओके, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बहुत सारा सीट रहता है तो वो इंक्रीज करना चाहते हैं। ओके, एक्चुअली थ्रू WBJEE ओनली 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर मैनेजमेंट कोटा, बट वो लोग 20%, 30% सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में बेच रहे हैं। ओके, और जो कि 9 लाख 10 लाख बहुत सारे रुपया लेके बेसिकली स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ओके, क्योंकि भाई आप लोग भी सोचेंगे ये WBJEE कैंडिडेट्स व्हाट इज़ गुड, मैं इतना अच्छा रैंक लाया हूँ फिर भी मुझे IIM नहीं मिला, फिर भी हेरिटेज नहीं मिला, देन क्या देने एग्जाम देने से फ़ायदा क्या? और इस तरह से चलता रहा तो देन WBJEE 2023 और बेसिकली कह सकते हैं WBJEE एग्जाम को कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर इस तरह से
कॉलेज लोग खुद से डिसीजन लेने लगेंगे तो ओके। सो आई रिस्पेक्ट डब्ल्यू बी जे बट प्लीज हम लोग आपको ये बताना चाहिए कि व्हाट इज सिचुएशन इन आई एम। ओके सो फ्रेंड, ये जस्ट शॉर्ट अपडेट्स था। अगर आप डब्ल्यू जे कैंडिडेट्स देन आपको यह ध्यान से समझना चाहिए ओके, एंड डोंट ट्रैप इन दैट सिस्टम। हो सकता है आई एम कोलकाता आप कॉलेज में कॉल करें तो वो लोग कहें कि या कुछ ही सीट बाकी है आपको मिनिमम कोटा थ्रो चाहिए ये ले लीजिए, या मेरा दूसरा कैंपस यू एम जयपुर या यू एम कोलकाता में चले जाए। तो ऐसा आप ट्रैप में मत फंसे ओके। डोंट गो ऑन दैट साइड, दिस इज रियली नॉट गुड फॉर यू ओके। क्योंकि गाइस आप 10 लाख 12 लाख देख के कॉलेज में जा भी रहे हैं, प्लेसमेंट 5-6-7 लाख मिलेगा, देन आपका आर ओ आई भी अच्छा नहीं रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप कोई लोअर कॉलेज ले ले, मीन्स एवरेज कॉलेज ले ले, ए ओ टी, हेरिटेज, टेक्नोमिन, ये सब कॉलेज ले ले, वो अच्छा रहेगा, क्यों आई एम ले भाई ओके। सो दिस इज द शॉर्ट अपडेट्स अबाउट दैट। होप इन परमिटिव टू, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ओके। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ देन आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और जान सकूँ इसके बारे में ओके। और प्लीज़ मैं सपोर्ट, मैं आप लोग से अर्ज करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली WBJ 23 कैंडिडेट्स अवेयर हो जाएँ ओके। सो दिस इज अ शॉर्ट अपडेट्स अबाउट दैट, होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।